बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 8, एक्सरसाइज 8, क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट ए टू एच। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक एंड कम टू द पेज नंबर 190। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 इज दिस कॉलम ग्राफ टेल अस अ लॉट अबाउट अ ग्रुप ऑफ कजन सना, सारा, हिना, आसिफ एंड साद। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास कुछ ग्राफ गिवन है, नीचे हमारे पास कुछ पार्ट्स गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द हाइट्स ऑफ साद एंड सारा। सो हमें ये बताना है साद एंड सारा की हाइट में क्या डिफरेंस है। सो यहाँ हॉरिजॉन्टल में कुछ हमारे पास नेम्स गिवन है एंड वर्टिकल में हमारे पास हाइट गिवन है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट बॉक्सेस गिवन है, टू बॉक्सेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 मीटर को। सो साद की हाइट हमारे पास है 1 मीटर एंड सारा की हाइट हमारे पास है 2 मीटर। सो नाउ हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सो इट्स मींस कि हम सारा की हाइट में से साद की हाइट को लेस करेंगे, मतलब सारा की हाइट हमारे पास 2 मीटर है एंड साद की हाइट है हमारे पास 1 मीटर। सो 2 - 1 = 1। सो आंसर हमारे पास है 1 मीटर। सो आप नीचे राइट करेंगे 1 मीटर। नाउ मूव पार्ट बी, हाउ मच ओल्डर इज़ हिना देन आसिफ। सो हमें ये बताना है कि हिना आसिफ से कितनी बड़ी है। सो लुक एट दी ग्राफ ऑफ एज। यहाँ पे हमारे पास कुछ बॉक्सेस गिवन है, 1 बॉक्स जो है वो 2 ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हिना की एज है 14 ईयर्स एंड आसिफ की एज है 8 ईयर्स। सो 14 - 8 = 6। सो आप नीचे आंसर में 6 ईयर्स राइट करेंगे। नाउ मूव पार्ट सी, हाउ मच लाइटर इज़ हिना देन सना। हिना सना से कितनी हल्की है। सो नाउ हम इनके वेट चेक करते हैं। सो सना का वेट है हमारे पास 80 kg एंड हिना का वेट है हमारे पास 40 kg। सो हमारे पास 80 - 40 = 40। सो इट्स मीन्स के 40 kg हल्की है। सो आप आंसर में नीचे 40 kg राइट करेंगे। नाउ मूव पार्ट डी, विच ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन नॉट वॉक थ्रू आ 2 मीटर हाई डोर विदाउट बेंडिंग। सो हमारे पास वो मेंबर सना है। सो आप नीचे आंसर में सना राइट करेंगे। नाउ मूव पार्ट ई, हाउ मैनी स्टेम्स डू हिना, आसिफ एंड सना हैव ऑल टुगेदर। हिना, आसिफ एंड साद के पास कितने स्टेम्स हैं। सो लुक एट द ग्राफ, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स जो है 100 स्टेम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हिना के पास 600, आसिफ के पास 300 और साद के पास 100। नाउ इन तीनों के स्टेम्स को ऐड करेंगे, 600 + 300 + 100 = 1000। सो नीचे आप आंसर में राइट करेंगे 1000 स्टेम्स। नाउ मूव पार्ट एफ, इफ़ सना गिव्स 1/4 ऑफ हर स्टेम्स कलेक्शन टू साद, हाउ मैनी स्टेम्स विल साद नाउ हैव। सना 1/4 हिस्सा स्टेम्प कलेक्शन का भी साद को दे देती है, तो नाउ साद के पास कितनी स्टेम्प कलेक्शन है। सो लुक एट द ग्राफ, सना के पास 400 स्टेम्स हैं। सो 1/4 इसका 100 हो जाएगा। सो साद के पास 100 है, 100 + 100 = 200 स्टेम्स। सो आप आंसर में नीचे 200 स्टेम्स राइट करेंगे। सो नाउ मूव पार्ट जी, इफ़ हिना एंड आसिफ लाए एंड टू एंड, हाउ फार विल दे स्ट्रेच। सो हिना की हाइट है हमारे पास 1.5 एंड आसिफ की हाइट है हमारे पास 1। सो 1.5 + 1 = 2.5। सो नीचे आप आंसर में 2.5 राइट करेंगे। नाउ मूव पार्ट एच, इफ़ आसिफ एंड साद क्लिम टुगेदर ऑन टू सम स्केल, व्हाट वेट विल बी शोन। लुक एट द ग्राफ, हमारे पास डिफरेंट बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स जो है वो 10 kg को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हमारे पास आसिफ का वेट है 30 kg एंड साद का वेट है 20 kg। सो 30 + 20 = 50। सो आप आंसर में नीचे 50 kg राइट करेंगे। डू ऑल वर्क विथ पेंसिल, होमवर्क एक्सरसाइज 8, नोट डाउन क्वेश्चन 7, पार्ट ए टू एच इन योर बुक, पेज नंबर 190।